अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे नोकिया 6 2018 एडिशन का कैमरा डिटेल सेटिंग। जी हाँ, यह है नोकिया 6 2018 एडिशन और डिज़ाइन एलिमेंट्स तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस मोबाइल का। बहुत ही खूबसूरत है मोबाइल, पकड़ने के लिए हो या फिर देखने के लिए। बहुत यूनिक सा डिज़ाइन, कॉपर वाला ऐसे लाइनिंग दिया है, जैसे हम सिल्वर लाइनिंग कहते हैं वैसे कॉपर का कलर है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा दिखता है नोकिया 6। चलिए आज के वीडियो में अभी हम देखेंगे नोकिया 6 की डिटेल कैमरा सेटिंग्स। तो कैमरा पर इंटरफेस पर डायरेक्टली जाने के लिए जस्ट आप इस लॉक का बटन जो है तो डबल टैप ऐसे करें तो इंस्टेंटली आप कैमरा इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे। तो ये है कैमरा यूजर इंटरफेस ऑफ द नोकिया 6.1। तो ऐसा है इंटरफेस, देख सकते हैं आप, ढेर सारे फीचर्स है, प्रो लेवल का ऑप्शन भी दिया है इसमें, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं। और मैं कुछ दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ इस मोबाइल को, तो कैमरा यूज़र इंटरफेस तो बहुत ही अच्छा है। कि बहुत ही अच्छी तरह से फोकसिंग सिस्टम वर्क होता है इस कैमरा में, बिल्कुल हंट नहीं करता, बिल्कुल आपको स्टटर नहीं देता है। बहुत ही डिटेल में पिक्चर्स मिलेंगे, जहाँ पर भी आप टैप करते हो तो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स क्लैरिटी वाला आपको इस मोबाइल में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैमरा डिटेल सेटिंग्स। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए, ये है सेल्फी कैमरा को एक्टिवेट करने के लिए, जस्ट एक बार टैप करेंगे तो सेल्फी कैमरा यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। और नेक्स्ट है ऑटो फ्लैश, इसको आप मैनुअली ऑन कर सकते हैं, मैनुअली ऑफ कर सकते हैं, यानी कि फोर्सेबली आप अगर फ्लैश को ऑन करना चाहते हैं तो ये ऑन कर सकते हैं। ऑटो मोड है, ऑफ है, तो देखिए HDR मोड है। नेक्स्ट HDR यानी हाई डायनामिक रेंज, जैसे कि आपको पता है जब भी कोई पिक्चर लैंडस्केप स्पेशली, तो बहुत सारा ऐसे ब्राइट स्काई होता है और ठीक से एक्सपोज नहीं हो रहा है, डार्क मिल रहा है आपको फोरग्राउंड एलिमेंट्स, तो HDR को आप एक्टिवेट करके ऑन करके पिक्चर्स को लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से वो वाइट्स एंड डार्क्स ठीक से कवर होके लिट होके आपको ब्राइट और अच्छे डिटेल पिक्चर्स मिलेंगे। लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है कि आपको बिल्कुल कैमरा शेक नहीं करना है, अगर शेक करेंगे तो डिटेल सा जो भी शार्प रहता है वो थोड़ा ब्लर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आप स्टेडी हैंड से पकड़ के आप HDR मिलेंगे तो बहुत ही डिटेल वाला पिक्चर्स आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप ऑटो पर भी छोड़ सकते हैं या फिर मैनुअली टर्न ऑफ कर सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट सेटिंग है टाइमर, तो टाइमर एक्टिवेट करने के लिए 3 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स का है, तो 3 सेकेंड्स पर अगर रखेंगे, देखिए एक बार टैप करके हम अगर पिक्चर लेना चाहते हैं तो आफ्टर 3 सेकेंड्स ऐसे बीप होके, तो 3 सेकेंड्स के बाद कैप्चर ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो टाइमर को यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ये स्पेशली सेल्फीस लेते वक्त बहुत ही यूज़ होगा। अगर आप बहुत सारे पर्सन से और सेल्फी लेना चाहते हैं तो आप 3 सेकेंड 10 सेकेंड्स को एक्टिवेट करके अच्छी तरह से पोज देके आप पिक्चर को ले सकते हैं। नेक्स्ट है 3 मोड्स यहाँ पर अवेलेबल है, सिंगल, ड्यूअल एंड पिक्चर इन पिक्चर। तो सिंगल जैसे कि यहाँ पर सिंबल है, जस्ट रेयर कैमरा अगर ऑन है तो पीछे का कैमरा से कैप्चर कर सकते हैं। ड्यूअल कैमरा में फ्रंट का एक्टिवेट होगा, फ्रंट और रेयर कैमरा दोनों भी एक्टिवेट होगा, साइड बाय साइड ऐसे कैप्चर कर सकते हैं इंस्टेंटली। तो मान लीजिए अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना भी लेना चाहते हैं तो दोनों कैमरा एक्टिवेट कर दीजिए, तो आपका फ्रेम भी मिस नहीं होगा, तो बहुत ही अच्छा फीचर है। और पिक्चर इन पिक्चर मोड यानी कॉर्नर में आपका पिक्चर मिलेगा सेल्फी का, और जो भी रेयर कैमरा है वो बिग साइज पिक्चर में आपको मिलेगा। तो उसके बाद है ब्यूटी मोड, देखिए हाँ ब्यूटी मोड ऑन एंड ऑफ है, तो इसमें ब्यूटी मोड इतना ठीक से नहीं वर्क होता है अनफॉर्चुनेटली, मैंने टेस्ट किया हूँ तो ठीक से वो रिकग्नाइज नहीं करेगा। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बहुत ही अच्छी तरह से वर्क हो रहा है सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम से, तो वैसे ही इसमें ब्यूटी मोड इतना भी खास से वर्क नहीं होता है। लेकिन खैर आपको ब्यूटी मोड कैप्चर करने के लिए ऑप्शन है तो आप ले सकते, देखिए बिल्कुल फोकस हंट नहीं करता है, लूज़ नहीं होता है, बहुत ही ब्यूटीफुली फोकस होता है इस नोकिया 6 में। वो एक बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा नोकिया 6 का। तो अभी एक बार ऐसे टैप टू फोकस करेंगे तो इंस्टेंटली फोकस होगा, जस्ट कैप्चर कीजिए, ब्यूटी मोड फुल ऑन है इसमें। तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि ब्यूटी मोड इतना रिकग्नाइज होके सॉफ्ट बैकग्राउंड नहीं मिलता है, तो वो एक डिसअपॉइंटिंग थिंग। यहाँ पर देखिए एडिट करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से दिया है नोकिया 6 में, तो इंस्टेंटली आप फिल्टर्स डाल सकते हैं या फिर इसका लाइटिंग बढ़ा सकते हैं जो कि एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन होता है, और कलर को भी सैचुरेट कर सकते हैं। तो थोड़ा डिटेल्स लाने के लिए पॉप भी दिया है जो कि ड्रामेटिक करने के लिए, ये वाला सेटिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इंस्टेंटली आप एक बार टैप कर दीजिए तो और एक पिक्चर आपको सेव हो जाएगा, ये सेटिंग मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि इंस्टेंटली आप जल्दी से एडिट करके शेयर कर सकते हैं अपने पिक्चर्स को। तो आप ब्यूटी मोड यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, दोनों सेल्फी के लिए हो या फिर रेयर कैमरा के लिए ब्यूटी मोड ऑन एंड ऑफ। तो यहाँ पर 3 स्ट्राइप्स है, अगर एक बार टैप करेंगे आप पनोरामा भी आप ले सकते हैं इस मोबाइल में ऑब्वियसली।
तो नेक्स्ट है प्रो मोड। प्रो लेवल मोड में देखिए बहुत सारे ऐसे कस्टमाइज्ड ऑप्शंस है, आप अच्छी तरह से ले सकते हैं। दी फर्स्ट वन है कि ऑटो वाइड बैलेंस। तो ऑटो वाइड बैलेंस अगर स्पेशली ये ज़्यादा वर्क इंडोर सिचुएशंस में ही होता है, क्योंकि ठीक से कलरिंग अगर सेंसर डिटेक्ट नहीं करता है तो आप ऑटो को चेंज करके जस्ट ऐसे स्वाइप करते जाएँ तो मैनुअली वो यहाँ पर दिखाई देगा कि शेड वाला हो या फिर टंगस्टन का बल्ब अगर इंडोर में है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एक डिसअपॉइंटिंग थिंग यह है कि आप मैनुअली कस्टमाइज़ करके नंबर टाइप नहीं कर सकते हैं, मैनुअली कस्टमाइज़ नहीं कर सकते वाइट बैलेंस को, सिर्फ जो भी डिफ़ॉल्ट ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है सिर्फ उसी को एक्टिवेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इतना भी इसका फ़ायदा नहीं, अगर कुछ सिचुएशन में वर्क होता है तो ठीक है। देखिए फोकस मोड है नेक्स्ट, तो मैनुअली आप फोकस कर सकते हैं इन्फिनिटी टू क्लोजेस्ट डिस्टेंस। सपोज़ अभी ये देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस रखने के लिए मैनुअली आप ऐसे फोकस करके देख सकते हैं, और जो भी फोकस अगर ठीक से मिलता है फ्रेम में तो इतने डिस्टेंस में ठीक से मिल रहा है तो ऐसे कैप्चर कर सकते हैं मैनुअली फोकस करके। तो ऑटो को रखने के लिए जस्ट लेफ़्ट में छोड़ दीजिए ऐसा, तो ऑटो मोड पर आ जाएगा वो। नेक्स्ट है ISO सेटिंग। तो मैनुअली ISO स्टार्टिंग फ्रॉम 100 टू ऑल द वे 3200 ISO है, विच इज़ गुड। यूजुअली ISO आप ऑटो ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली नॉइसी इमेजेस मिलेगा आपको, तो इसीलिए वो ऑटो ही ठीक से वर्क करेगा एक्सपोजर को कॉम्पेंसेट करके ऑटोमेटिकली। तो नेक्स्ट मोड है यहाँ पर, एक बार टैप करेंगे तो शटर स्पीड। तो मैनुअल कंट्रोल है तो शटर स्पीड ऑब्वियसली रहना चाहिए। मुझे इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा शटर स्पीड, क्योंकि जस्ट 1/500 है, बहुत सारे कैमरास में 1/3000 2000 तक जाता है। तो आप इंस्टेंटली कुछ मोशन मूवमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल इसमें 1/500 है तो चल जाना चाहिए, नॉट ए बैड थिंग एट ऑल। लेकिन फिर भी 1/500 टू अप टू 4 सेकेंड्स है बस। तो अगर आप सिल्की स्लो मूवमेंट्स का जो भी कैप्चर करना चाहते हैं, वाटरफॉल का हो ऐसे, तो आप अराउंड 2 to 4 सेकेंड्स रख के आप कैप्चर करेंगे तो बहुत ही स्मूथ इमेजेस आपको मिलेंगे। तो ये ऐसे आप शटर स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ऑटो पर लाने के लिए यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन। तो अभी क्या होता है कि कई बार देखिए अभी जैसा कि ब्लैक कलर है वहाँ पर, तो अगर इसको भी मुझे ठीक से कॉम्पनसेट करना है एक्सपोजर को, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको थोड़ा अगर मैं +1 स्टॉप तक जाता हूँ तो देखिए वेरी ब्राइट इमेज ऑलरेडी 1 स्टॉप पर आ चुका है। अनफॉर्चुनेटली 0.5 स्टॉप रहना था तो नहीं है, तो 1+2 तक जाता है, +1 and +2, दैट्स इट। एंड अंडर एक्सपोज करने के लिए आप -2 तक जा सकते हैं। तो ऐसे एक्सपोजर को कॉम्पनसेट करके आप पिक्चर्स को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया कि एक बार ऐसे टैप करेंगे तो एक स्लाइडर मिलता है आपको, टैप एंड होल्ड करेंगे तो लॉक होके, तो यहाँ से भी आप स्लाइडर को अप एंड डाउन करेंगे तो ऑटो मोड में आप एक्सपोजर को कॉम्पनसेशन का जो भी है वो चेंज कर सकते हैं। तो इतने सारे सेटिंग्स है प्रो लेवल में। और एक सेटिंग पर जाने के लिए यहाँ पर सेटिंग्स है, तो यहाँ पर आपको शटर साउंड चेंज करने के लिए हो या फिर ऐसे अलग अलग सेटिंग्स आपको मिलेंगे। देखिए एंड्रॉयड 8.1 का एक डिसएडवांटेज यह है कि वो पता नहीं क्या अपडेट करते रहते हैं। जस्ट आप एक बार ऐसे स्वाइप करेंगे तो ब्राइटनेस बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं कहीं से भी, तो अगेन यू हैव टू सेकेंड टाइम आपको ऐसे स्वाइप करके सिर्फ ब्राइटनेस चेंज करने के लिए दो स्टेप लेना पड़ेगा आपको, तो ऐसे ब्राइट चेंज होता है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग फ्रॉम द एंड्रॉयड 8.1 अपग्रेड। तो यह है देखिए सेटिंग्स में शटर कंट्रोल है। अगर आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं देखना चाहते हैं तो आई करके एक बार टैप करेंगे तो वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। अगर आप डिटेल से चाहते हैं कि क्या है वो आप जानें तो आप एक बार टैप करेंगे तो वो बताएगा। तो शटर कंट्रोल लॉन्ग प्रेस ऑन शटर टू टेक बर्स्ट शॉट्स है, तो वो है अगर टैप करके होल्ड करेंगे तो वो बर्स्ट शॉट मोर देन वन पिक्चर इंस्टेंटली 1 सेकेंड में अराउंड 10 to 20 पिक्चर्स ले लेगा वो, तो वो ले सकते हैं अगर आप फ्रेम्स को मिस नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है शटर साउंड ऑब्वियसली, तो वो जब कैप्चर करेंगे साउंड आता है, अगर निकालना चाहते हैं वो साउंड तो शटर साउंड को ऑफ कर दीजिए ऐसा। नेक्स्ट है ग्रिड, व्यू फाइंडर में ग्रिड दिखाई देगा, तो रूल ऑफ थर्ड अगर ठीक से आप कंपोजिशन को अच्छी तरह से लेना चाहते हैं तो ग्रिड को ऑन कीजिए। वाटर मार्क भी दिया है यहाँ पर, तो मिरर फोटोज़ फॉर फ्रंट कैमरा, मान लीजिए अगर आप सेल्फी से पिक्चर ले रहे हैं ठीक से आपका अगर वो फ्लिप होके आ रहा है आपका पिक्चर तो आप मिरर फोटोज़ को ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन टैग, जियोग्राफिक लोकेशन टैग करने के लिए यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से मैंने पिक्चर लिया था तो लोकेशन को भी टैग करना है
तो वो एक बार एक्टिवेट कर दीजिए। डेटा स्टोरेज, फोन मेमोरी एंड माइक्रो एस डी कार्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन, विच इज़ गुड, दे हैव गिवन द ऑप्शन, आपको ऑप्शन मिलता है कि ढेर सारे रेजोल्यूशन जब भी आप कुछ कैप्चर करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर इंस्टेंटली आप सोशल नेटवर्क पर शेयर करना चाहते हैं तो 16 मेगापिक्सल मिलेंगे, तो ज़्यादा एमबी आपको मिलेगा। तो अगर आप 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में 4 मेगापिक्सल का लेंगे तो इंस्टेंटली आपका काम भी हो जाएगा और शेयर भी जल्दी से बिना ज़्यादा डाटा यूज़ किए हो जाएगा। तो ऐसे अगर ऑप्शंस देते हैं बहुत ही अच्छा है। ऐसे वीवो V9 में जो कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसमें भी अवेलेबल नहीं है ऐसा ऑप्शन, वो निकाल दिया है, सिर्फ नॉर्मल स्क्वायर एंड फुल मोड दिया है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, विच इज़ वेरी बैड थिंग तो इन माई ओपिनियन। तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल 4:3 एस्पेक्ट रेशियो, 8 मेगापिक्सल का 4:3 एस्पेक्ट रेशियो, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में अगर लेंगे तो देखिए फुल मोड आपको एक्टिवेट होगा यहाँ पर 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। यहाँ पर तो आपको फुल स्क्रीन इन्फिनिटी डिस्प्ले जो कहते हैं वो तो नहीं है, मुझे इतना भी वो अच्छा भी नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर अभी नोकिया जेस करके दिया है क्योंकि वाटरमार्क का हम एक्टिवेट किए थे, तो अभी इसको चेंज करके देखते हैं कि आता है या नहीं। यू कैन जस्ट मूव दिस। तो ये है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम ऐसे स्वाइप करेंगे तो 2018, तो यहाँ से आप कॉपीराइट इन्फो चेंज कर सकते हैं, विच इज़ नाइस। देखिए अभी हम टिट बिट्स करके लिख कर देखते हैं, कॉपीराइट सिंबल भी डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से कॉपीराइट सिंबल टिटबिट्स, जस्ट प्रेस ओके, कूल। तो टिटबिट्स करके आप ऐसे कॉपीराइट अपना नाम भी आप डाल के वाटरमार्क को लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप वाटरमार्क को चेंज कर सकते हैं, जो चाहिए वो रख सकते हैं, 16 मेगापिक्सल का कैप्चर कर सकते हैं। उसको फिर से चेंज करने के लिए सेटिंग्स पर जाना पड़ेगा आपको। तो ऐसे आप रेजोल्यूशन का चेंज कर सकते हैं, इवन फॉर द फ्रंट फेसिंग कैमरा जो कि 4:3 एस्पेक्ट रेशियो 8 मेगापिक्सल ही है, सेल्फी का कैमरा तो मैक्सिमम वो है, और 16:9 एस्पेक्ट रेशियो फुल मोड लेना चाहते हैं तो फिर से वो 8 मेगापिक्सल से आपको 4 मेगापिक्सल, हाफ दी मेगापिक्सल करके आपको फुल मोड देगा। तो इतने सारे सेटिंग्स है रिस्टोर करने के लिए यहाँ से है, तो इतने सारे ढेर सारे फीचर्स है नोकिया 6 में अवेलेबल है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प हुआ होगा बहुत ही अच्छे पिक्चर्स निकालने के लिए। नेक्स्ट टाइम आप जब भी बाहर जाएंगे तो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स को कैप्चर करें। आप होपफुली बने रहिए इस चैनल पर, सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों, टेक केयर, अपना बाय बाय।